الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه प्यारे नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे सामीन और नाज़रीन, आज की वीडियो में हम रोज़ा रखने का सवाब और इसकी अज़मत व फ़ज़ीलत व अहमियत पर रोशनी डालेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि रोज़ा रखने का सवाब, इसकी अहमियत और फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में जान सकें। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और रोज़े रखने वाले और रोज़े रखने वालियां और अपने पारसाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियां अल्लाह ताला को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियां, इन सब के लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। हज़रत सैयदना साल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है। इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे और इनके सवा उस दरवाज़े से कोई दाखिल ना हो सकेगा। जब दूसरे लोग इसमें दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा और वो इसमें दाखिल ना हो सकेंगे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम फ़ख़्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि हर बंदे का अमल, कि बंदा जो भी अमल करता है वो अपने लिए करता है, मगर रोज़ा मेरे लिए है और ख़ुद मैं इसकी जज़ा दूंगा। रोज़ा ढहाल है, लिहाजा जब तुम में से कोई रोज़ा रखे तो हरगिज़ कोई बुरी बात ना करे और ना ही शोर मचाए, और अगर कोई इसे गाली दे या इसके साथ झगड़ा करे तो इससे कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। रोज़ादार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। रोज़ादार को दो खुशियां हासिल होती हैं, पहली इस वक्त जब वो इफ्तारी करता है और दूसरी उस वक्त जब वो अपने अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़ा पर खुश होगा। हज़रत सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल की तादाद अल्लाह ताला के नज़दीक सात है, इनमें से दो अमल वाजिब करने वाले हैं, दो अमल ऐसे हैं जिनका सवाब एक गुना है, और एक अमल ऐसा है जिसका सवाब दस गुना है, और एक अमल ऐसा है जिसका सवाब 700 गुना है, और एक अमल ऐसा है जिसका सवाब अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। वाजिब करने वाले दो अमल ये हैं, पहला वो शख्स जो अल्लाह से इस हाल में मिले कि इस तरह इखलास के साथ इसकी इबादत करता हो, किसी को इसका शरीक ना ठहराता हो तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह से इस हाल में मिले कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराता हो तो उसके लिए जहन्नम वाजिब हो जाती है, और जो बुरा अमल करे उसके लिए बुरी जज़ा है, और जो नेक अमल का इरादा करे फिर इसे ना कर सके तो उसे इसका सवाब दिया जाएगा, और जो एक नेकी करे उसे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा, और जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करेगा इसके खर्च से सवाब को बढ़ा दिया जाएगा, एक दिरहम का 700 गुना और एक दिनार का 700 गुना सवाब अता किया जाएगा। और रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है और रोज़ादार के सवाब को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। हज़रत सैयदना अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई अमल बताइए। तो इरशाद फरमाया, रोज़े रखा करो, क्योंकि इस जैसा अमल कोई नहीं। मैंने फिर अर्ज़ की कि मुझे कोई अमल बताइए। फरमाया, रोज़े रखा करो, क्योंकि
इस जैसा कोई अमल नहीं। मैंने फिर अर्ज़ की, मुझे कोई अमल बताइए। फरमाया, रोज़े रखा करो, क्योंकि इसका कोई मिसल नहीं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलात वस्सलाम ने फरमाया, जिहाद किया करो, ख़ुद कफ़ील हो जाओगे, रोज़े रखो तंदरुस्त हो जाओगे, और सफ़र किया करो गनी हो जाओगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है, और जिस्म की ज़कात रोज़ा है, और रोज़ा अहदा सब्र है। हज़रत सैयदना उस्मान बिन अबू आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलात वस्सलाम को फरमाते सुना, जिस तरह तुम से किसी के पास लड़ाई में बचाव के लिए ढाल होती है, इसी तरह रोज़ा जहन्नम से तुम्हारी ढाल है, और हर माह तीन रोज़े रखना बेहतरीन रोज़े हैं। प्यारे सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आपने समात किया कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के बड़े फ़ायद और बड़ी फजीलतें हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने और रमज़ान मुबारक की कदर और इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, और इस माह मुकद्दस में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने, इस्तग़फ़ार करने और दुरूद शरीफ़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही लगे बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा लें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।